यू आर आई एम सॉरी सर। देखिए इसके अंदर द प्रॉब्लम विद पीटीआई व्हिच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ दिस जेंटलमैन। यस इट इज डिस्टिंक्ट। इट वाज दैट द इलेक्शन सिंबल कुड नॉट बी गिवन टू देम, राइट? नाउ यू हैड कैंडिडेट्स फ्लोटेड बाय रजिस्टर्ड एनलिस्टेड व्हाटएवर यू कॉल इट पॉलिटिकल पार्टी हु वर नॉमिनेटेड बाय दैट पॉलिटिकल पार्टी। दैट नॉमिनेशन वाज नेवर विथड्रॉन। हु नेवर I'm not talking of the symbol, I'm talking of the form. Whenever resiled from that, I'm saying, okay, for the time being, let's put aside your order of the 2nd of February, which forced them apparently to do whatever they did, but let's put that aside for the moment. You are the election commission. You want to encourage political parties. Here is a very unusual situation where a political party cannot give that election symbol. Cannot. Why? Because of the judgment of the Supreme Court. I think that you have वकील हैं। I think you had sufficient power to do something about it. आपने से बात kindly read article, take instructions. Kindly read section 240 of your act. जी, हाँ जी, ये तो rules हैं। अच्छा मुझे act बता दो। Mr. Shikandar साहब, repeatedly judgment of the Supreme Court. It makes it sound that there is no law. Where's my act? It refers to, I said, if we are going to refer to the judgment, then let's read something from the judgment. It refers to a law. Yes. It was about not holding of intra-party elections. Intra-party elections ki baat ho rahi hai, theek hai? As a consequence of this, things may happen or may not happen. Now, the election, I was going to ask you, were ever intra-party elections held? Not to the ECP's knowledge since the judgment, sir. Yes. Not knowledge ki aapko baqaida wo still disputed form shom karna hota hai na. Ji. To ye wo kaam to nahi karenge. इलेक्शन नहीं कराना है, जमहूरियत की जरूर बात करना है, मगर अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराना है। कोई बाहर वाले तो नहीं आके लड़ेंगे ना, अंदर वाले ही लड़ेंगे ना इलेक्शन। कोई पीपल्स पार्टी वाला, मुस्लिम लीग वाला तो नहीं लड़ सकता इलेक्शन, और इवन जनरल पब्लिक, यू कैन ओनली दोज विल कंटेस्ट हु आर मेंबर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। सो इट इज परपेचुअली बीइंग सेड एंड आई टेक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन टू इट, आइदर रेफरेंस शुड बी मेड टू द जजमेंट वेयर इट सेज दिस, इट रिलाइज अपॉन द लॉ व्हिच द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इनएक्ट। The law stands still today. It was enacted applied by the same political party. वो ठीक है, आपने उसका ओपनिंग देख लें। वो तो कह रहे थे 3 साल हामिद खान साहब की तकरीर से हमने कोर्ट किया है ओपनिंग जजमेंट में, उन्होंने कहा था 5 साल पता नहीं क्या 3 साल बाद इलेक्शंस होना चाहिए। वो दूसरी पार्टीज ने कहा नहीं, उन्होंने कहा 3 साल हो, उन्होंने कहा जी 5 साल होना चाहिए। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें आप नज़रअंदाज करते हैं और बैट पे चलने लगे हैं, तो फिर इन अदर वर्ड्स इफ एंड इवन आई वॉन्ट इवन एक्सेप्ट इफ फर्स्ट ऑफ ऑल मैन शुड नॉट यूज द टर्म बैरिस्टर विद हिज नेम बिकॉज इट्स वायलेशन ऑफ द यूके लॉ। यू आर एन एएससी और यू एन एडवोकेट, यू कांट, यू नॉट एनरोल्ड। ठहर जाइए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना। ठीक है, तो अभी जो ये जो एक पिटिशन उन्होंने फाइल किया उसमें लिखा था चेयरमैन इज इमरान खान। ठीक है, ये सारी बातों का वजाहत है, हमारा काम नहीं है देखने के लिए कौन किसको इलेक्ट करता है। 91 पोस्ट थी पीटीआई में, वो सारी बातें आपको बात करना है जजमेंट की, पढ़ के बात करें और ये पैराग्राफ का जिक्र करें वो पैराग्राफ। 91 में से सारी अनअपोज रहे हैं, 91 में से एक ने उनकी 50,000 रुपये टिकट फीस थी नहीं जमा की, सारी बातों का तस्करा हुआ है। भाई हम आपको कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं इलेक्शन कर रहा हूँ। कब आप ये खत लिख रहे हो? जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। अब तो आप उनके शायद दुश्मन हो गए, उस वक्त आपने आपकी भी फराख दिली देखिए, आपकी आपको एक सेकेंड ठहर जाने, फराख दिली देखिए, आपने भी 1 साल दे दिया। जब ये बातें ऐसे तरीके से, सॉरी टू से, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इट्स अ जजमेंट, इफ समवन हैज रिजर्वेशंस अबाउट द जजमेंट दैट्स अनदर थिंग, और कोट फ्रॉम द जजमेंट वेयर समथिंग इज सेड, जजमेंट डिड इट, फॉरगेटिंग द लॉ पार्ट ऑफ इट, देयर इज द लॉ ऑफ पाकिस्तान व्हिच हैज बीन मेंशन इन द जजमेंट। आपको कौन रोक रहा है भाई? आज करा लो इलेक्शन,
उसके बाद वक्त था इलेक्शन करा लेते. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस एडमेंसी नॉट टू होल्ड एन इलेक्शन इन योर पार्टी. भाई ठीक है आप कर दें इलेक्शन, अब उसमें क्या रिव्यू विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड और नॉट हेल्ड. आई डोंट अंडरस्टैंड. द फैक्ट इज ऑल दैट इज बिकम इलेक्शन क्या लाजमी नहीं है, या तो कह दें आके पिटीशन फाइल कर दें हम इलेक्शन नहीं कराएंगे. इसी को जमहूरियत कहते हैं. डेमोक्रेसी इन योर हाउस, डेमोक्रेसी आउटसाइड द वर्ल्ड. अब हमारे यहाँ भी हमने जमहूरियत के तकाजे अडॉप्ट कर लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से. हम भी कह रहे छोड़ो भाई, एक मैं हूँ, आई एम ऑल एंड ऑल. भाई जमहूरियत का तकाजा था ना कि नहीं थ्री मेंबर कमेटी बन जाए. सो ये देखें या करें कि बार बार आप स्ट्रक कर रहे हैं. मैं नहीं करना चाह रहा था, मुझे आप मजबूर हो रहे हो. माय लॉर्ड आई एम सॉरी. प्लीज आप यू डोंट हैव टू रिस्पोंड टू इट. आप अपने जो आपकी सबमिशंस हैं प्लीज उसको प्लीज फॉर्मुलेशंस ही नहीं खत्म की, आप प्लीज कर लेना. आप जरा काइंडली पहले सेक्शन 240 तो पढ़े ना, ताकि ये बात तो खत्म हो. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this act, the commission may, with the approval of the president, make such provisions for the removal of the difficulty as it may deem fit, and any order shall be published on the website of the commission. Now it seems that here was a difficulty. Here were candidates fielded by a political party. For whatever reason, let's not go into that, your order, whatever order. As a matter of law, they could not be given that election symbol. Could not, as a matter of law. A major national level political party, which 2 years before that, or 3 years, formed the federal government. Instead of saying, we have this binary approach, either you are fielded candidate of political party or you are independent as per your order or whatever reasoning. My formulation. You could have taken recourse to section 240. You could have said, here is a difficulty. We recognize that this is an enlisted political party. We recognize they've fielded candidates. We cannot give them a symbol of the political party. A direct application of subsection 2, section 67-2, in this case, as a matter of law, cannot happen because that would have catastrophic consequences. So here is a difficulty. Let us take recourse to section 240. Let us make an order saying these are the candidates who will be given non-bad symbols, what you call independent symbols, but non-bad symbols. But we, the election commission, make it clear that these are candidates fielded by this political party. That would have been following the democratic mandate of holding proper elections. Because practically, even legally to a certain extent, to some extent you could say. Koi difficulty effect, any provisions of this act, the effect of the effect would be that party stood disenfranchised. So here was a situation. Now I am contrasting that with the SIC. The SIC. See, I know. My lord, wo ek exception such an application submitted to you? Sorry? Was such an application submitted to you to invoke powers under section 240? No, my lord. And fine. Ek aur cheez main add kar do, my lord. Doesn't require any application. Chale aage padho. Sikandar sahab. This all happened at the RO level. Please remember that. No, and no appeal was filed that this would have come up all the way to the election committee. Sikandar sir, meri ugly formulation, my lord, ye hai. Sikandar sahab, mera ek question hai. Second ka to aapka order hai na. Sorry. Sikandar, my lord, but I thought we were going to leave that. Sikandar sahab. Challenge ho gaya tha. Sikandar sahab, there are two, I think we are confusing two things. One is the judgment of this court regarding symbol. The other thing regarding, is... Sorry, I will interrupt. Regarding intra-party elections. Yes. So, say, please, there's a big case. Distinction. IPE case. Either read it and say that. The intra-party... The consequence... अगर आपने इतना ही डिस्कस कर लेना है तो फिर रिव्यू करना. मैं तो नहीं करना चाह रहा. मैं तो अपनी फॉर्मुलेशन पढ़ना चाह रहा हूँ. I will now... No. My Lord will rescue me. No, now I will not rescue because you were responding to the question. Now you... Now I think you'll have to face the rock. ये मुनासिब बात नहीं है. एक तरफ क्या है? रिव्यू कर रहे हो फिर उसपे आप तब्सरा कर रहे हैं.
दोनों बातें नहीं हो सकती। ये बताइए अगर रिव्यू पेंडिंग है तो रिव्यू को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए या यहीं चलेगी रिव्यू? Has had open heart surgery. She is recuperating. So please, your snide remarks on the judgment are not acceptable. If a review is pending, this I say it a matter of constitutional law. Any other bench should not discuss it. ठीक है, और इफ यू वांट टू मेक स्नाइड रिमार्क्स देन प्लीज रीड द जजमेंट एट लीस्ट दैट टू दैट एक्सटेंड यू कैन डू सो इट्स पार्ट ऑफ द लीगल जजमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए ना, आई विल कम सिकंदर आप प्लीज आगे चलिए। सिकंदर लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। माय लॉर्ड, नो वन इज क्वेश्चनिंग द लीगैलिटी ऑफ दैट जजमेंट। माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाइल द कमीशन वाज आर्ग्यूइंग बिफोर दिस कोर्ट, आपने जो फॉर्मुलेशंस बनाई हैं, Did you inform the court then that if they don't have a common symbol, they would not be able to contest as political party candidates? My lord, now, because that consequence, respect, I, my lord, with utmost respect, I am saying that I think the best course is that, and I have taken guidance from the observations. There is, I am going to respond to all of these related questions by saying that there is a review pending and I am not counsel in that review. I am not instructed. So my lord, I will move to my formulation number 5. I think now you've come on the track. My lord, I'm slow. Tube light, but track pe aane se pehle ek baat ka simply kam az kam ye baat to tay hai na ki us judgment mein आपको मना नहीं किया गया, ना किसी पार्टी को उनके राइट्स जो एक्ट देता है उससे डिप्राइव नहीं किया गया, ये बात दुरुस्त है? सर मैं कहूंगा कि देयर इज अ रिव्यू पेंडिंग। यस आई थिंक दैट्स द एप्रोप्रिएट आंसर। जब तक रिव्यू पेंडिंग है, आपसे एक सवाल है, टू असिस्ट माय नोट ऑन दैट जजमेंट, यू कैन रीड जजमेंट, इट इज इन फील्ड, इट इज अनलेस एंड अंटिल इट्स सेटिस्फाइड। उस जजमेंट में कतन ये बात नहीं लिखी गई, जहाँ तक मैंने पढ़ी है जजमेंट, उसमें कतन कहीं पे ये बात नहीं आई कि इस जजमेंट के आने के बाद पार्टी इलेक्शन ना होने की सूरत में वैट नहीं मिला, उसके अलावा बाकी जितने भी राइट्स थे उस पार्टी के वो मुतासिर नहीं हुए। आप हाँ या ना में जवाब दें। माय लॉर्ड, देयर इज अ रिव्यू पेंडिंग अगेंस्ट दैट जजमेंट। यस, नहीं, ये रिव्यू दैट ओपन आर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ इसको हाँ समझा जाए। अगला स्पीकर, माय लॉर्ड, फॉर्मुलेशन नंबर 5 इज एट पेज 14। माय लॉर्ड, सीएमए 584। Just on this thing, can you just factually, so except this gentleman, nobody else submitted PTI nomination? My lord, main ye, to be responsible and for my lord, especially for my lord, Mr. Jaya, ye aap answer karein. दूसरी पार्टी खुद कह दे, मेरी इंस्ट्रक्शन सर यही है, अभी कैन आई मूव ऑन बाय सेइंग दैट, बट आई एम, यू आर सेइंग इट, दिस विल हैव अ वेरी सीरियस इफेक्ट, प्लीज डोंट मेक अ स्टेटमेंट टिल यू वेरीफाई इट फ्रॉम द रिकॉर्ड। मैंने इनको कहा है कि मुझे 81 के 81 फॉर्म्स दिखाए, मैं खुद से देखूंगा अभी मंगवा, और फिर और उसके साथ ये भी आप देखेंगे कि आप सर्टिफिकेट खा जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, चल माय लॉर्ड, फॉर्मुलेशन नंबर 5। जी, एक सवाल पे, ये जो पेज 11 पे उर्दू में जो लिखा हुआ, इन्होंने दरख्वास्त दी आपको, सिकंदर साहब, सर मैं वो खोल रहा हूँ, ये पेज 11 पे उर्दू में इन्होंने कहा कि शटल कॉक दे। जी ठीक, जी ये वैसे थे इनके, अगर आप नॉमिनेशन पेपर देख लें, बेशक इन्होंने सर्टिफिकेट, एफिलिएशन सर्टिफिकेट पीटीआई का सबमिट किया, लेकिन डिक्लेरेशन उन्होंने दी है, सुनिए त्यार, ब्रैकेट में लिखा है कि अलाइंस, लेकिन बेसिकली डिक्लेरेशन वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ सुन्नी इत्तेहाद। अब जब इन्होंने एप्लीकेशन आपको दी कि बैठ नहीं मिल रहा, शटल काक दे दो, तो 67(2) के तहत आप उसको मना कर सकते हैं कि माँ सिवाय आपके घोड़े। ये पेज 14 देखिए, पेज 14 पे तो इनका भी नजरियाती लिखा हुआ है, तहरीक इंसाफ नजरियाती, इनका सिकंदर, मेरा क्वेश्चन वहीं पे,
देखिए हम बाकी दरख्वास्तों पे नहीं जाएंगे सर मैं आई डिडंट रीच दैट सिकंदर प्लीज आई वाज नॉट अलाउड नॉट आई एम सॉरी अब तीन चीजें हो गई ना जनाब सर ये तीन हुए एक मिनट पहले उन्होंने आया सुनिए पहला आया पीटीआई का अपना सर्टिफिकेट ठीक सर नहीं उसे एक पहले शुरू करते हैं पहले उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में कहा सुन्नी इत्तेहाद ब्रैकेट्स पीटीआई अलायंस सर एक सेकंड मैं आपको सीक्वेंस से ले जाऊं प्लीज सर एक सेकंड मेरा क्वेश्चन बीच में मैं आपका सवाल ले लेता हूं बट माय लॉर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द होल बैंक से पूछ रहा हूं अगर आप पहले सुन लीजिए ना आप नोट करें देखिए मेरा बाद में दे दीजिएगा उनको मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है आप यहाँ पे रुक जाए अभी अच्छी जगह है मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि जब उन्होंने सुनी इत्तेहाद की तरफ से जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी कि ये निशान चेंज कर दिया जाए क्या ये आप पे जिम्मेदारी नहीं थी कि आप कहते 67-2 के तहत कि आपको सिंबल सुनी इत्तेहाद का जो घोड़ा है वो मिलेगा इसके अलावा कोई और आपको नहीं मिल सकता ना बैट मिल सकता है बैट को आप मजर साहब का भी सवाल सुन माय लॉर्ड भाई सुनिए ये नॉमिनेशन फॉर्म एक सवाल तो सुन बाय वन चलिए ना पहले सुनी इत्तेहाद इन द नॉमिनेशन फॉर्म पीटीआई का सर्टिफिकेट ऑन द 13 डिक्लेरेशन नजरियाती का ठीक है इन द नॉमिनेशन फॉर्म अगर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या ये अपनी पार्टी से रिजाइन करके इधर आए थे पीटीआई से सर मैंने भी आई हैव वंडर्ड दिस ही इज हियर दो कोर्ट वांट्स टू आस्क आधे इधर है आधे इधर है तो आप वहां के चेयरमैन हैं आप बिल्कुल आप इलेक्शन लड़े पीटीआई से तो अपनी पार्टी तो मुझे नहीं समझ आई बिकॉज वो उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है उसमें भी वो कहते हैं आई एम करंटली चेयरमैन हाउ ही कैन ज्वाइन द अनदर पार्टी आई एम नॉट क्लियर सर आई एम नॉट हियर ओरिजिनल पेरेंट सर आई एम नॉट क्लियर एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन द honorable member for parliament who now he is present I understand he could perhaps clarify that he took four different stances apne declaration mein doesn't matter you mera hai sir apne declaration mein keh rahe 63 apply aapne aap apne submission kare ha four five declaration 14 but sir that is true all of this apne form mein keh rahe 63 apply hoga ji khud se aap sunni tyag bhi to chhod ke idhar aaye ho na sir I don't want to go into it but this is a very valid point क्या ये बता सकते हैं आपके ये जो नॉमिनेशन पेपर है प्रेफरेंस आप उसको देंगे या कोई एक सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन को देंगे आखिरी 13 तारीख को जो सबसे आखिरी रिक्वेस्ट आएगी उसको दूंगा ना सर I let him make his choice. He says, "I want to change my mind." I say, "Okay, you're still within time." So I take his very last one, and if he doesn't have one, then for that matter, the nomination paper has to be changed. So there is a defect in the nomination paper. We've already identified two defects. उन्होंने जो nomination paper वो final हो गया, उस nomination paper के बाद 10 मरतबा वो कहते रहे. As been observed, will go on substance. तो form. Change नहीं हो सकता. On substance. चलिए. Lord Mayor, nomination 5 at page 14. The election program is prepared and issued by the ECP in exercise of powers conferred under the Constitution and the Elections Act. And sir, maine aage relevant sections diye hain, sorry. The determination of election program is the exclusive constitutional mandate of the ECP. कौन से पढ़ रहे? सर ये page 14 concise statement SEM 5. You keep the mic before you. Beg your pardon, sir. It is a requirement of the scheme of the Constitution and the Elections Act that the list of priority for seats reserved for women and non-Muslims of a political party in Form 66 is submitted and scrutiny of the candidate in such Form 66 is completed at the same time as scrutiny of nomination forms of candidates for general seats. The sequence, its timing and process are more in consonance with democratic ideals as it provides an opportunity to the voter to take into account the preference of a political party of its candidates on reserve seats for women and non-Muslims. This crucial opportunity and right of the voter will be lost should Form 66 be allowed to be filed